को प्रेजेंटेड बाय लक्स वीनस इनोवेयर, सबको मानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल गांधी। सियासी दल निकाय चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा में लगे हैं, लिस्ट तैयार हो रही है, लेकिन इसी के साथ प्रमुख विपक्षी दलों ने एक बार फिर ईवीएम के इस्तेमाल पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। बीएसपी ने सरकार से मांग की है कि निकाय चुनाव बैलेट से कराया जाए, तो समाजवादी पार्टी की दलील है कि जब मोबाइल हैक हो सकता है तो ईवीएम क्यों नहीं। पार्टियां इसके लिए दलील भी दे रही है, निकाय का रण, बैलेट का तड़का, ऐसे में न्यूज स्टेट के अहम सवाल। ईवीएम से चुनाव कराने पर क्यों घबराया विपक्ष? निकाय में फिर कैसे निकला बैलेट का चिन्ह? निकाय के रण में क्यों पड़ा बैलेट का तड़का? क्या मोबाइल की तरह हैक हो सकता है ईवीएम? बैलेट पेपर से चुनाव कराना कितना सुरक्षित? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। निकाय चुनाव के लिए नामांकन का सिलसिला शुरू हो चुका है, पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं, लेकिन ईवीएम का चिन्ह एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है और विपक्षी दलों की मांग बढ़ती जा रही है कि निकाय चुनाव को ईवीएम की बजाय बैलेट से कराया जाए। बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती पहले ही अपनी पार्टी की मंशा जता चुकी है कि चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए। सरकार व नगर निकाय से संबंधित अधिकारी ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर कराएं तथा नगर निगम का भी चुनाव ईवीएम से न करा के इसे भी सीधे तौर पर बैलेट पेपर से ही कराएं, ये भी हमारी सरकार से संबंधित अधिकारी से पुरजोर अपील है। वही निकाय चुनाव में एसपी की ओर से भी मांग उठने लगी है कि ईवीएम से चुनाव कराना ठीक नहीं। मुरादाबाद के एसपी सांसद एसटी हसन कह चुके हैं कि जब अमेरिका का सबसे महफूज पेंटागन हैक हो सकता है, मोबाइल हैक हो सकता है और अकाउंट हैक हो सकते हैं, तो फिर ईवीएम को हैक करने में भला क्या परेशानी है। देखिए, ईवीएम जिन देशों ने इस्तेमाल करी थी उन्होंने बंद कर दिया। लोगों के आंदोलन हुए, जर्मनी में एक आंदोलन हुआ ईवीएम को हटाने के लिए, वो लोग सड़कों पर आए तो ईवीएम बंद हो गई। डेवलप कंट्रीज में किसी एक में बता दे मुझे कोई कि ईवीएम से चुनाव हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा। जब आपका मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सिस्टम पेंटागन हैक हो सकता है तो ईवीएम में क्या परेशानी है होने में? तो आपका मोबाइल हैक हो सकता है, आपका अकाउंट हैक हो सकता है, सारे सिस्टम हैक हो सकते हैं, तो ईवीएम से क्यों जिद है ईवीएम से कराया जाए? ईवीएम का विरोध करने वालों का तर्क है कि कोई भी विकसित देश ईवीएम से चुनाव नहीं कराता, जिन देशों ने इसे ईजाद किया उन्होंने भी इसका इस्तेमाल बंद कर दिया, लिहाजा चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट से कराना चाहिए और अगर ईवीएम से चुनाव हो तो वीवीपैट भी लगाया जाए जिससे हर वोटर को पर्ची मिल सके। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले पर्चे करा दे, हीरो वाजपेयी जी प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर अभिषेक राय जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुनील अरकवंशी जी सुभाषपा राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। हीरो वाजपेयी जी, जब विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो तो फिर ईवीएम की जरूरत क्या है, क्योंकि अंदेशा कई बार हर बार चुनाव से पहले जाहिर करते हैं विपक्षी दल। देखिए, विपक्ष जब भी जहां भी उसको लगता है कि चुनाव में कमजोर है इस तरह की आशंकाओं का बल देने लगता है। मुझे लगता है जिन लोगों के बयान आए वो ईवीएम से ही चुनाव जीत के आए हैं और ईवीएम के सहारे या संसद में है या विधानसभा में है, और जब वो इस तरह का बयान देते हैं तो मुझे लगता है वो अपनी सुविधा के अनुसार मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए इस आधार पर बयान देते हैं। अगर ईवीएम हैक हो सकती होती तो दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाती, अगर ईवीएम हैक हो सकती तो नगर निगम जीत जाती, तो ये सब बातें कपोल कल्पित है। पूरे विश्व में सिद्ध हो चुका है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग ने सभी दलों को आमंत्रित किया था, पूछा था, तरकीबें पूछी थी, सब तरह से क्लियर हो चुका है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती। और ये जो बयानबाजी अनर्गल है, जीत जाए तो
लोकतंत्र में हमारी जीत हुई, विपक्ष की बड़ी जीत हुई, नैतिक जीत हुई, और अगर हार जाए तो ईवीएम ने हरा दिया। मुझे लगता है ये अपनी सुविधा के हिसाब से अपने बयान जारी किए जा रहे हैं। जिन पार्टियों को लोकतंत्र में जनता से मोह भंग हो चुका है और जनता का उनसे मोह भंग हो चुका है, वो इस तरह के अनर्गल बयानबाजी करते हैं। डॉक्टर अभिषेक राय जी, जीत गए तो वाह वाह और हार गए तो ईवीएम दोषी। राहुल भाई, इस सवाल को खत्म ही क्यों नहीं करते? मैंने बोला ना कि हमारे एसटीएसएन साहब ने भी बताया, चाहे आप बैलेट से करा लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या पहले यहाँ पे हिंदुस्तान में चुनाव बैलेट पेपर से नहीं होता था? अभी आपने देखा होगा जो पिछले जिला पंचायत सदस्यों के और उनके चुनाव बैलेट से, उसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति थी। इन्होंने कहते जिला पंचायत अध्यक्ष कैसे बनवाए, साड़ियां तक फाड़ियां मारी हुई कार्यकर्ताओं की, तो किसी को भरने नहीं दिया, पर्चा भरने नहीं दिया। तो ये सारी चीजें इनको बहुत अच्छे से पता है। तो आप बार बार इसे हमें या किसी भी पक्ष को क्यों आरोप लगाने देते हैं? आप बैलेट से करा दो चुनाव। आप जब अमेरिका जैसा विकसित देश जो कहते हैं सुपर पावर है, वो कर रहा है, जर्मनी कर रहा है, आपके जो 5 वीटो वाले देश है, आप मुझे बता दो कि किसमें ईवीएम का इस्तेमाल होता है। तो जब बड़े देश कर रहे हैं, जो विकसित देश है, जो विकसित देश कर सकते हैं, तो आप भी तो कह रहे हो कि भारत विश्व गुरु हो रहा है, तो क्यों नहीं बैलेट से चुनाव करा देते? इतना डर क्यों है बैलेट से चुनाव का? क्योंकि आपको पता है सत्ता पक्ष का एक सवाल भी है आप लोगों से कि जीत जाते तब तो ठीक है, फिर हारने पर ही ईवीएम राग क्यों? मैंने सुन लीजिए, हमने कभी ये चीज नहीं कही। जीतना हारना देखिए लोकतंत्र है, कभी कोई पार्टी जीतती कभी कोई हारती है। भारतीय जनता पार्टी 2002 से उत्तर प्रदेश से गायब हुई थी, 2017 में लौटी, 15 साल ये लोग बाहर बैठे हुए। तो वो जीत हार लोकतंत्र का एक वो है, हिस्सा है। कभी आज हम विपक्ष में, कल सत्ता में होंगे, ये लोकतंत्र है। जनता जिसको चुनती, जिसको मौका देती है और सारी सरकारें उसके हिसाब से काम करती है। उसी हार जीत में ईवीएम का भी हाथ था क्या? नहीं, तो मैं तो कह तो रहा हूँ, आप बैलेट से क्यों नहीं चुनाव करा देते? करा दीजिए, ये ईवीएम का मसला। ठीक है, सुनील अर्कवंशी जी, क्या घबराहट हो रही है या दिक्कत है ईवीएम से? नहीं, देखिए मुझे कोई घबराहट नहीं हो रही है और ना ही कोई ईवीएम से दिक्कत है। रही बात आज जिस तरीके से ईवीएम का सवाल उठाया जा रहा है, इसको चुनाव के ही समय क्यों उठाया जाता है? चुनाव के पहले जब समय मिला था 2022 में, मार्च में चुनाव खत्म हुआ था। मार्च में चुनाव खत्म होने के बाद किसी भी दल ने हाईकोर्ट जाने का काम नहीं किया, ना चुनाव आयोग जाने का काम किया, ना सुप्रीम कोर्ट जाने का काम किया। एक बार भी ये नहीं कहा गया कि ईवीएम को लेकर हम लोग यहाँ पर चलने का काम किया जाए। आप मुख्य विपक्षी दल है, आप बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां रह चुकी हैं, तो आप लोग सब लोग इस बात को लेकर पहले से क्यों नहीं, आखिर जब चुनाव का समय आता है तभी इस बात को लेकर क्यों उठाया जाता है? आखिर इस बात को लेकर आपकी तैयारी नहीं है पूरी? आप आगे कहने के लिए ये बात कहेंगे कि हम फिर बाद में यही कहना पड़ेगा कि ईवीएम का ही सारा दोष है? तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को खुद कमजोर समझ रहे हैं, इसलिए इस तरीके का बयान दिया जा रहा है। और रही बात आज, अब ये बताइए, जब कांग्रेस की सरकार थी देश में, तब क्या किसी पार्टी ने इस बात को लेकर उठाने का काम किया था कि ईवीएम हैक करी जा रही है? क्या उन्होंने चुनाव कराने का काम नहीं किया? या फिर अभी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ, तो समाजवादी पार्टी ने भी 111 सीट और हम लोगों ने गठबंधन में 125 सीट जीतने का काम किया, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी तो जीतने का काम किया। इन सीटों पर जीत जो गौरव दर्ज हुई है, तो इसको किस मायने में देखने का काम किया गया है? लेकिन एक सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, 2012 में भी सरकार बनी थी, ईवीएम की वजह से सरकार बनी। अभी हाल ही में मैनपुरी चुनाव आप लोगों ने जीता, खतौली का चुनाव जीता, ईवीएम के ही सारे जीता। हमें नहीं समझ में आता, बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने की लगातार मांग क्यों की जाती है? क्योंकि वो स्थिति भी देखी गई कि बैलेट पेपर के दम पर किस तरीके से फर्जी वोट भी पड़ते थे, किस तरह से समय ज्यादा लगता था, गिनती काउंट करने में भी वक्त लगता था। अब जब चीजें हर कुछ टेक्निकल हो रखी है, तो फिर हम पीछे क्यों जाए? मुझे आप बता दीजिए राहुल भाई, यूएस सुपर पावर वो पीछे गया, जर्मनी सुपर पावर है वो पीछे गया, फ्रांस सुपर नहीं सर, अगर 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 केवल चुनाव के लिए नहीं। मैं राय साहब एक चीज के लिए कहूंगा, केवल अपने हित के लिए नहीं, आप अपने हित के लिए चीजें कर रहे हैं, तो हम अमेरिका जैसा क्यों नहीं बन जाते हैं? बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम बहस करने पे आ जाएं तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक बात, आप लोगों को 100 से ज्यादा सीटें मिली कि नहीं 2022 में? देखिए, हमें जनता ने जिताया, हम अभी भी कह रहे हैं हम 111 सीटें इस बार जीते हैं, जनता ने जिताया। 77 सीटें हम 2500 के कम मार्जिन से हारते हैं, जहां पे 48 वोट से कैंडिडेट जीतता, वहां रिकाउंटिंग नहीं होती।
कहां हमारा एक कैंडिडेट 8,000 से जीतता हुआ रिकाउंटिंग होती है उसको हरा दिया जाता है। तो ये ईवीएम की वजह से क्यों क्यों होती ये ईवीएम वाला खेल हुआ है। नहीं आप मुझे बताइए बैलेट रहेगा प्रूफ है सबके पास। देखिए हम लोग यहाँ बात करने के लिए बैठे हुए हैं। देखिए आरोप है तो आरोप लगाइए। नहीं हम आरोप किसी को नहीं लगा रहे, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे। हमने एक मांग करी है, हमारी मांग करने का अधिकार है। क्या हम मांग भी नहीं कर सकते इस देश में? क्यों नहीं हो सकता भाई? हमारी मांग है, हम कर रहे हैं मांग, हमारी पार्टी हमारी। लेकिन जो सुनील अर्कवंशी जी ने कहा कि 2022 चुनाव हारने के बाद यही विपक्षी दल क्यों नहीं मांग करने लगे, वहीं से मांग करना शुरू कर दिया होता, आज हो सकता है स्थिति हम लोग ना बैठते बात ना होती। नहीं सुन लीजिए, सुनील भाई हमारे भाई है, इसमें कोई वो नहीं है। सुनील भाई को मैं जरूर ये जवाब देना चाहता हूँ कि हमने मांग तो शुरुआत से करी है। हम हमेशा कहते आए हैं कि आप बैलेट से चुनाव क्यों नहीं करा, हमने तो एग्जाम्पल तक कोट करके दिए। हमने हमेशा ये बात कही है, हमने कब ये बात नहीं कही आप बता दीजिए कि हम ईवीएम से चुनाव चाहते, कभी नहीं कही हमने। हमारी 4 बार सरकार बनी, 1 बार ईवीएम से बनी, ठीक मान ली वो बात, बाकी सरकारें हमारी का ईवीएम से बनी थी, बैलेट से बनी थी जी। तो सबको पता है कि बैलेट से चुनाव होने में किस तरीके से। ठीक है, अंशु अवस्थी जी भी चर्चा में हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। अंशु अवस्थी जी, दिक्कत है ईवीएम से, यानी कि आज ईवीएम ऐसी स्थिति हो रखी है कि बीजेपी की सरकार जहां बनती है वहां ईवीएम, और जहां नहीं बनती, जहां आप लोगों की सरकार बन जाती है, दूसरे दल की सरकार बन जाती है, वहां जनता का समर्थन, जनता का प्यार। राहुल जी, जी देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर हम ऐसी कोई मशीन की इतनी वकालत क्यों कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह देश में जो लोग वोट डाल रहे हैं उनको यह भरोसा दिलाएं कि जहां आप पर आप वोट डाल रहे हैं वहां पर आपको वोट पहुंच रहा है, जिसका माध्यम निश्चित तौर से अगर सबसे सशक्त और मजबूत है तो बैलेट है। अब इसमें यह बात कि साहब वो हम टेक्नोलॉजी, हमारे लिए टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण अलग विषय है जी। लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर है तो लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र जब रहेगा तभी नीतियां बनेंगी, तभी टेक्नोलॉजी भी काम करेगी। कोई भी ऐसी चीज जो हमारे मन में शंका पैदा करती है, हमारे मताधिकार को लेकर, हमारे लोकतंत्र पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, कोई भी जीत रहा हो, हम जीत रहे हो या वो जीत रहे हो, ये एक अलग विषय है। मैंने क्या कहा, इसका जीत हार से मतलब नहीं कि साहब हम ईवीएम से जीत गए तो हमने कह दिया अच्छी है, हार गए तो हमने कहा खराब, ऐसा नहीं। अब हम सभी चाहते हैं कि ईवीएम को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं, कई देशों ने ईवीएम को नकार दिया है, देश में इस बात को लेकर एक भावना है कि ईवीएम कहीं ना कहीं ट्रैप होती है, ईवीएम कहीं ना कहीं हैक होती है, तो आखिर क्यों नहीं हम उस पर बात करें? ठीक है, ये जवाब हीरो वाजपेयी जी देंगे, आगे बढ़ने की, क्योंकि सरकार उनकी पार्टी की है और हमें लगता है कि जो विश्वास लोगों में होना चाहिए कदम उनकी सरकार की तरफ से ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हीरो वाजपेयी जी, आपने सबकी बातें सुनी है, जवाब चाहिए। देखिए ऐसा है, इस निकाय चुनाव के जिस संदर्भ में ये बयान आया, आप देख लीजिए लखनऊ नगर निगम भारतीय जनता पार्टी बैलेट से भी जीतती आई और ईवीएम से भी जीत रही है। जनता का जहां वोट पड़ता है वहीं पड़ता है। ऐसी तमाम सारी डिवाइसेज आ गई जिनके बारे में तमाम बातें कही जाती हैं, जहां तक अभी मोबाइल के बारे में कह रहे हैं, आजकल तो लोग बताते हैं आप अपना स्मार्ट टीवी ऑन ना रखिए हैक हो सकता है, तमाम चीजें आ गई हैं। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मीटर आ गया है बिजली का, तो लोग कहें हम तो पुराना मीटर लगाएंगे, अब इलेक्ट्रॉनिक मीटर हम नहीं लगाएंगे, हमें इस पर शंका है। तो शंका का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। ये विपक्षी दल सुविधा की राजनीति कर रहे, मीडिया में सुर्खियां बटोरने कर रहे, उन देशों के तमाम उदाहरण अभी हम यहां जारी करते तो कहेंगे विदेश से नकल कर रहे हैं। अरे भाई कुछ चीजें कहीं सरवाइव करती हैं, कुछ नहीं करती। आज हिंदुस्तान की जीडीपी सभी देशों से अधिक होगी तो कहते नहीं साहब वो सब पीछे जा रहा है, यूरोप वाले आपको भी पीछे ही जाना चाहिए। नहीं, हम 140 करोड़ के देश है, हमारे यहाँ चुनाव होता है, हमारे यहाँ सत्ता का विकेंद्रीकरण है, हमारे यहाँ 5 साल चुनाव होते हम शासन नहीं चला सकते। हमने हम हिमाचल हारे, बीच में मत बोलिए भाई, बीच में मत बोलिए, बीच में मत सुन तो लीजिए अंशु जी, सुन कहेंगे तब मैं सुन तो लीजिए, बोलने का तुम नहीं भाई, सुन तो लीजिए आप अपनी बात, सुन तो लीजिए, सवाल खड़ा हो रहा है बार बार। तो ऐसी ईवीएम को लेकर ऐसी क्या मजबूरी भाई,
हमारे लिए तो देश का लोकतंत्र जरूरी, मैंने क्या कहा, हजारों करोड़ रुपए। सर सर देखिए एक चीज, एक चीज, एक चीज अंशु अवस्थी जी, एक चीज ये बता दीजिए, एक चीज ये बता दीजिए, एक चीज बता दीजिए, एक चीज, एक चीज अंशु अवस्थी, अंशु अवस्थी जी, मेरा एक सीधा सा सवाल है, मेरा एक सीधा सा सवाल है, मेरा एक सीधा सा सवाल है, मेरा एक सीधा सा सवाल है अंशु अवस्थी जी, यूपीए 1 सरकार बनी, सारे विपक्षी दल मिलकर, या आपके जो यूपीए में जो दल थे उनसे बातचीत करके उसी टाइम ईवीएम बंद कर देते, साहब हम तो बंद कर रहे हैं, हटाइए इसको, आगे जो चुनाव होगा बैलेट पेपर पर ही होगा। राहुल जी मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में यही बात, ठीक, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मौका मिला था ना आप लोगों को, मैं एक मिनट मैं बता रहा हूँ, जो ईवीएम हमारे ही समय आई थी, हम वही बात कह रहे हैं कि एक प्रयोग किया गया था कि हम कम से कम अगर सुविधाजनक तरीके से डेमोक्रेसी को और मजबूत कर सके, एक प्रयास था, लेकिन जरूरी नहीं कि हर प्रयोग सफल हो, तो अगर कोई प्रयोग सफल नहीं हो रहा है तो 10 साल लग गए। मैं सवाल कर रहा हूँ कि सर 10 साल लग गए उस प्रयोग को सफल असफल के तराजू में तोलने के लिए। एक मिनट मेरी बात कंप्लीट, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप सोच, आप उसको समझिए, बात मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। सबसे बड़ा देखिए आप लगातार कांग्रेस असफल हो रही है, इसलिए प्रयोग बंद कर दिया जाए, बीजेपी का एजेंट बन चुका है, हुआ कि कांग्रेस असफल होगी तो ज्यादा गायब है, उस पर बात क्यों नहीं होती, कारणों से असफल हो रही है। ये तो आप लोग संसद में पूछवाइए ना अपने सांसदों से, हमें लगता है राय साहब लेकिन एक अच्छी चीज है विपक्ष की, हीरो वाजपेयी जी एक अच्छी चीज है विपक्ष की, विपक्ष का ये भी कहना है, सुनिए विपक्ष का, एक मिनट सुन तो लीजिए अंशु अवस्थी जी जरा 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 शांत रहिए, अंशु अवस्थी जी जरा शांत रहिए, सवाल तो करने दीजिए, हीरो वाजपेयी जी आप देखिए, आप लोग अपनी पार्टियों को लेकर पर्सनल ना होइए, ठीक हो गया, बस तो कीजिए हीरो वाजपेयी जी, देखिए अंशु अवस्थी जी शांत हो जाइए, जरा जरा आप तो शांत हो जाइए, शांत हो गए, अंशु अवस्थी जी आपका सिस्टम हैक तो नहीं हो गया, आप बोलते जा रहे हैं, बस कीजिए, हो गया जितना कोसना था कोस लिया, अब जरा शांत होइए, हीरो वाजपेयी जी देखिए विपक्षी दलों की एक मांग है, ठीक है, पहले उन्होंने कहा ईवीएम से ना हो, बैलेट पेपर से हो, उनका कहना है कि ईवीएम हो तो वीवीपैट भी हो जी, उस दिशा में चुनाव आयोग काम कर रहा है, चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, उसमें सभी दल गए थे, सबने बात रखी, चुनाव आयोग उस पर काम कर रहा है। जहां तक ये भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं कि चुनाव आयोग तय करता, चुनाव आयोग स्वायत्त शासी संस्था, इन्होंने कहा हमने प्रयोग किया तो दो बार प्रयोग इनका सफल रहा, तब तक तो इन्होंने कहा ठीक है, जब विफल होने लगा, कांग्रेस का हर प्रयोग विफल है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी तो जिम्मेदार है नहीं, ईवीएम जिम्मेदार नहीं, अगर वायनाड में जीत गए तो अमेठी में हार गए तो ईवीएम को दोष कैसे देंगे, एक जगह ईवीएम ने इनकी सुन ली और एक जगह ईवीएम ने इनको नकार दिया, ऐसी सुविधाजनक बातें जनता देखे समझदार है, लगातार उत्तर प्रदेश में 32 साल से कांग्रेस अपने अस्तित्व, और केवल देखिए आप लोगों की मांग भी जाए, देखिए आप लोगों ने दो चीजें कही, पहले बैलेट पेपर, ठीक है बैलेट, एक मिनट रुक जाइए अंशु अवस्थी जी, आपने उनको कहा, उन्होंने आपको कहा, बस आप लोगों की बात इसी में चलती रहेगी अभिषेक राय जी, लेकिन एक ऑप्शन आप लोगों ने अच्छा दिया कि अगर ईवीएम हो तो वीवीपैट भी हो, अभिषेक राय जी, अंशु जी जरा शांत रहिए एक मिनट, राहुल भाई देखिए अभी हमारे जो मित्र हैं बड़े भाई हीरो जी बता रहे थे कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, वो निष्पक्ष संस्था है कि जिस दिन कहते हैं मुख्य चुनाव आयोग रिटायर होते हैं उसके अगले दिन उनको गवर्नर बना दिया जाता है, तो इससे पता चलता है कि पुरस्कृत कैसे किया जाता है, चुनाव में कैसे चुनाव किस तरह से पुरस्कृत किया जाता है, हम जब सारे विपक्षी दल, हम भी भाई हमें भी जनता ने वोट दिए हैं हर प्रदेश में, आप मुझे बता दिया कि हम एक मांग कह रहे हैं और इस मांग में क्या हमारा क्या क्या वो है भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है तो उन्हें बैलेट पेपर से डर किस बात का भाई, वो तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने को क्लेम करते हैं भी नहीं, तो केवल आप लोग बैलेट पेपर पर ना रहिए ना, आप लोग ये भी कहिए कि वीवीपैट भी होना चाहिए क्योंकि संदर्भ बदल जाता है, तो मांग चुके राहुल भाई ये बात हम मान चुके हैं, लेकिन हमने एक चीज कही, आप मुझे बताइए आजकल ऑनलाइन सारी चीजें होती है, सारी चीजें मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन हो रही, क्या अकाउंट्स हैक नहीं होते,
क्या किसी तरीके से आप मुझे बताइए, इतना सिक्योर सिस्टम होते हुए भी खातों से पैसे निकल जाते हैं, उसके लिए हमें साइबर क्राइम में कंट्रोल वो करना पड़ता है। तो ये बस सीधा सा सवाल है, इसमें इतना इतनी आपत्ति क्यों, इतनी आपत्ति सुनील अर्घवंशी जी, सुनील अर्घवंशी जी, तो ये बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं? देखिए विपक्षी जो विपक्ष के दल हैं, जो विपक्षी हैं, उनकी चिंता तो जाहिर है। नहीं नहीं, बिल्कुल चिंता होनी चाहिए इस पर, जैसा कि अभी अभिषेक भाई ने कहा कि वीवीपैट का इस्तेमाल होना चाहिए, तो इसको लेकर चुनाव आयोग के पास से इस बात की सूचना जानी चाहिए, इस बात को लेकर विपक्षी दल सारे एकजुट होकर मिलना चाहिए, वीवीपैट होना चाहिए। रही बात अभी बैलेट पेपर को लेकर, जैसा कि कहा जाता है कि बैलेट पेपर आप एक कितनी लो व्यवस्था थी, जो आज एक दिन चुनाव होता था उसके बाद किस तरीके से रात रात भर डब्बे पहुंचने का काम हुआ करता था, और उसके बाद गिनतियां किस तरीके से होती थी, तीन तीन चार चार दिन रिजल्ट आने में लगता था, और बैलेट पेपर को भी लेके गांव गांव में किस तरीके से जो है लूट करने का काम किया जाता था, यहाँ तक कि बैलेट बॉक्स में पानी तक डालने का काम किया जाता था। तो इस तरीके की भी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सबसे बड़ी बात यह है, आपका अच्छा सुझाव है, वीवीपैट लगना चाहिए, इसके लिए मांग करनी चाहिए। अब रही बात जैसे हम जितनी विपक्षी पार्टी इस बात की मांग कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं जनता के मन में भी रहता है ना कि हमने वोट किसको देने का काम किया और हमारा वोट कहाँ गया। आखिर जो अगर इस तरीके का जो अगर कहीं माहौल होता तो जनता भी तो सड़क पर उतर कर आनी चाहिए थी कि नहीं भाई देखिए हमने वोट फला व्यक्ति को दिया और चला गया दूसरी जगह वोट। तो इस बात को लेकर भी जो है वीवीपैट होना चाहिए तो अच्छी बात है, उसको पता लगना चाहिए कि हमारा वोट कहाँ जा रहा है। लेकिन अभी तक तो कोई केस आया नहीं कि हमने कांग्रेस को दिया बीजेपी को चला गया, हमने बीजेपी को दिया समाजवादी पार्टी को चला गया, ऐसा केस तो हीरो वाजपेयी जी आया नहीं। बात मैं राहुल जी कह रहा हूँ, आखिर जनता में भी तो उस बात का रहना चाहिए ना कि आखिर विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में वीवीपैट का इस्तेमाल तो होता है, वो तो दिखता ही है। बिल्कुल हुआ, विधानसभा में भी हुआ। हीरो वाजपेयी जी आवाज आ रही है, हीरो वाजपेयी जी व्यस्त लग रहे हैं आप, निकाय चुनाव में ज्यादा व्यवस्था हो गई। जो बात वाजपेयी जी ने इतनी सारी कही मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ, मुझे 10 सेकंड समय। राहुल जी ठीक है, 10 सेकंड आपका। देखिए बार बार हीरो वाजपेयी जी ईवीएम को जीत और हार पर ले जा रहे हैं, हम उसकी विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं कि एक प्रयोग किया गया था सुविधाओं के लिए, अगर वो सुविधाजनक नहीं बना तो समस्याजनक बन चुका है, तो उसको हटाने की जरूरत है। आखिर इस देश के लोगों के मन में इस बात को भरोसा तो होना चाहिए। और दूसरा, ईवीएम की इतनी वकालत की क्या जरूरत है, हम जीते या आप जीतो, अगर विश्वसनीयता उसकी घट चुकी है, लोगों के मन में ये सवाल है कि हम जहां वोट देते हैं, जनता के बीच से तो ये कभी राय आया नहीं, वो महत्वपूर्ण है। सियासी दलों का बयान आया है, नहीं करते यहाँ सियासी दलों का बयान है, लेकिन जनता का कहीं बयान नहीं आया, वोटर का कभी बयान नहीं आया कि हमने कांग्रेस को दिया बीजेपी को चला गया। ठीक है, चलिए आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निकाय चुनाव का रण, और ऐसे में अब बैलेट पेपर का मुद्दा गरमाया हुआ है, विपक्षी दलों की मांग है कि निकाय चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल ना हो, बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए, अगर ईवीएम का इस्तेमाल हो तो वीवीपैट लगाया जाए, यानी कि आने वाले दिनों में ईवीएम के मुद्दे पर सियासत और जोर मारे। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा बस इतना है।